पर शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एहसान खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि ये जो देश का संविधान है, इस देश के संविधान को भारत के आम लोगों ने बनाया और इसे नीति बनाने वालों को सौंपा है। हमारा देश इस संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, इसी संविधान की शपथ लेते हैं और हमारे देश में जो कानून है वो कानून मूल रूप से इस संविधान की भावना के हिसाब से बने हुए कानून है। इसीलिए हम दिन के हर बड़े मुद्दे को इस संविधान की कसौटी पर ही कसते हैं। और आइए विस्तार से अब आपको अपने आज के मुद्दे के बारे में बताते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव फाइनल राउंड में पहुंच गए। 7 दिसंबर को राजस्थान और तेलंगाना में अब वोट पड़ने वाले। मध्य प्रदेश तेलंगाना तक तो राजनीतिक लड़ाई जो है, इससे पहले हमने देखा किस तरीके से जाति गोत्र तक सीमित थी, लेकिन अब फाइनल आते आते बात जो है वो हिंदू मुसलमान धर्म तक पहुंच गई है। योगी हिंदू हितों की राजनीति करते हैं, ओवैसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं। दो धर्म के पोस्टर बॉय होने के कारण कल से दोनों के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है। योगी कहते हैं बीजेपी अगर आई तेलंगाना में तो ओवैसी को तेलंगाना से जाना होगा। ओवैसी कहते हैं हिंदुस्तान मेरे पप्पा का, मुझे कौन निकाल सकता है। तो कहीं इस लड़ाई की जड़ में अपने अपने धर्म के वोटर्स को साधना तो नहीं? क्या तेलंगाना जैसे नए राज्य में चुनाव का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास नहीं होना चाहिए? लेकिन हो क्या रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, ये देखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव में मोदी की जाति पर मचा हल्ला। उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई। देखिए कांग्रेस पार्टी के मुद्दे कौन से इस चुनाव में, मोदी की जात कौन सी है बताइए, ये चुनाव का मुद्दा है क्या? राहुल के गोत्र तक पहुंची बात। तो उन्होंने पंडित ने वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया, पंडित ने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने गोत्र वहाँ पे बताया। दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय तो बहुत बड़े ऋषि। 7 साल की उम्र में उन्हें अपना गोत्र याद करके बताना पड़े, एक शर्म की बात है। यह सब जो नौटंकी चल रही है राहुल गांधी की, जमीन खिसकती दिख रही, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं, दरगाह में जा रहे हैं, मंदिर में जाए। जाति गोत्र से नहीं भरा नेताओं का मन, लाकर ही माने हिंदू मुसलमान का रंग। चुनाव के आखिरी राउंड में याद ही आए निजाम। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूँ ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। योगी को ललकार दिया ओवैसी ने। हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहाँ निकलेगा? जो पप्पा को नहीं मानेंगे वो ही खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय को ललकार दिया छोटे ओवैसी ने। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या, तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, कुछ से लड़ेंगी, कुछ से मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी, हम भागने वालों में से नहीं है। बड़ा सवाल, जाति गोत्र के बाद हिंदू मुसलमान हुआ चुनाव। आज देखिए जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे पर संविधान क्या कहता है, जरा ये समझिए। दरअसल चुनाव जनता से जुड़े मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, जनता की बात चुनाव में होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, जाति मजहब को चुनाव में लाने की तो हरगिज इजाजत देता ही नहीं है संविधान। लेकिन फिर भी नेता जो हैं कभी जाति को, कभी गोत्र को, कभी धर्म को, इन्हीं तमाम बातों पर उलझाए रखते हैं जनता। चुनाव में जनता क्यों पीछे रह जाए, विकास का एजेंडा क्यों ऐसी बेमानी बातों में दब जाए, ये बड़े सवाल जो आज हम उठाएंगे संविधान की
शपथ अपने कार्यक्रम में। और आज की इस चर्चा में जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राजवी नायक मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कुछ ही देर में हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ेंगे और हमारे साथ AIMIM के नेता इम्तियाज जलील भी कुछ देर में आज की इस चर्चा में शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी जो देना चाहते हैं हम, एबीपी न्यूज पर मेहमानों से गुजारिश, मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो। हम ये साफ करना चाहते हैं कि शो में मेहमान जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वो उनके निजी या उनकी पार्टी के विचार हैं, एबीपी न्यूज का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। हम सबसे पहला सवाल मेरा रागिनी नायक आपसे ही है, जिस तरीके की खींचतान यहाँ पर बीजेपी और AIMIM के बीच देखने के लिए मिल रही है कि योगी पहुंचते हैं और कहते हैं तेलंगाना में कि अगर बीजेपी जीतेगी तो फिर ओवैसी को तेलंगाना से जाना होगा, वैसे ही जैसे निजाम गए थे, पलटवार ओवैसी की तरफ से किया जाता है, कहते हैं हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, कौन मुझे निकाल सकता है मेरे बाप के देश से। आप लोग बीच में कहते हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये ओवैसी जो है वो बीजेपी की सीटी में, ओवैसी में और बीजेपी में साठ गांठ है, ये थ्योरी कहां से ले आते हैं आप लोग? मैं आपको जवाब देती हूं। देखिए, अतिवादी सांप्रदायिक विचारधारा चाहे किसी भी धर्म से जुड़ी हो, नुकसान वो लोकतंत्र का करती है। कैसे करती है? ये विचारधारा धर्मांधता को बढ़ावा देती है, भड़काऊ भाषण देती है, चाहती है कि विकास का मुद्दा गौण हो जाए और कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण हो। अब चाहे योगी जी चाहे ललकारे हिंदू मुसलमानों को या ओवैसी साहब चेतावनी दे हिंदुओं को, अंततः वो काम क्या कर रहे हैं? वो काम यही कर रहे हैं कि भावनाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले और जो तर्क बुद्धि है लोगों की, जो सवाल पूछना चाहती है, जो जानना चाहती है कि आखिर तेलंगाना में 2,20,000 करोड़ का ऋण क्यों लगा हुआ है, जो जानना चाहती है कि 2,00,000 नौकरियों का वादा किया था KCR ने, उसका क्या हुआ, जो जानना चाहती है कि 24 घंटे तक बिजली क्यों नहीं मिल रही है, कि 4,500 किसानों को आत्महत्या क्यों करने पड़ी, ये सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं खो जाएं, विकास के नाम पर कोई जवाबदेही ना हो ठीक और धर्मांधता की नई लहर पूरे प्रदेश में बहे। ठीक है रागिनी, आप जो बात, ठीक है रागिनी आप जो बात कह रही हैं, हाँ आप जो बात कह रही है ना, मेरे साथ देखिए इम्तियाज जलील AIMIM के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इम्तियाज, जो बात यहाँ पर रागिनी की तरफ से कही गई कि भावनाएं भड़काई जाएं, और ये मैं आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी उनका एक बयान पढ़ रही हूँ जो योगी के लिए वो कह रहे हैं, अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या, तेरे जैसे 56 आए चले गए, अरे ओवैसी को छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1,000 नस्लें इस मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, हिम्मत है तू यहां, भागना किसे कहते हैं हम तुझे बताएंगे। ये जिस तरीके की भाषा है मुझे पढ़ने में शर्म आ रही है जलील साहब, ये इस तरीके की भाषा तो सही कह रही है रागिनी नायक, सिर्फ भावनाएं भड़काने के लिए, मतलब कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जी जी रोमाना जी, आप जो जितनी भी बातें बताई है कि आपको भी बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है कि अकबर ओवैसी साहब का जो उन्होंने बात की है योगी के बारे में, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका मुख्यमंत्री यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर वो अपने भाषण के अंदर ये कहेंगे कि हम जिस तरह से निजाम को यहाँ से भगाए थे वैसे ही ओवैसी को अगर हमारी सत्ता आ जाती है तो हम यहाँ से उन्हें भगाएंगे। अब ये इस तरह का बयान एक राज्य के मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर देते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने हाथ जोड़कर कहे नहीं योगी साहब हम नहीं जाना चाहते, हमें मत भिजाइए। देखिए हैदराबाद के अंदर हमको एक चीज हमने यहाँ पर सीखे है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अब वो वक्त आया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें आता है। तो अगर आपने शुरुआत करे है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम ओवैसी को यहाँ से भिजाएंगे करके और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उसका स्वागत करें कि हाँ देखिए योगी आदित्यनाथ साहब ने बोला है कि हम ओवैसी को यहाँ से है तो भिजा देंगे अगर हमारी सरकार आई, 11 तारीख आने वाली है, घोड़ा मैदान सामने है। अच्छा, आपने जवाब दे दिया,
जलील साहब आपने जवाब दे दिया कि जिस भाषा में ललकारा जाएगा AIMIM जो है उसी भाषा में जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। सर समझ गए, आपका जवाब समझ गए। सर यहाँ कोई नहीं है ना जिसको सुना रहे हैं आप, आराम से संयम के साथ अपनी बात रखिए ना, आपके पास आ जाऊंगी दोबारा। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी का रुख करती हूँ। प्रदीप सिंह जी, जो मोटे तौर पर इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं कि भाई जिस भाषा में ललकारा जाएगा हम तो उसी भाषा में जवाब देंगे, ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा, मतलब राजनीतिक तौर पर तो ये पूरक नजर आ रहे हैं एक दूसरे के, बीजेपी और AIMI। यहां तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ये तो भाई बीजेपी की सीट ही में, तो ये तो मैच फिक्स नजर आ रहा है सर इनका। देखिए रोमाना जी, एक बात तो है कि इलेक्शन में थोड़ा रेटोरिक चलता है, इस तरह की भाषणबाजी चलती है, लेकिन जिस स्तर पर हो रही है वो कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरे तरह की सांप्रदायिकता को हवा देती है, वही काम हो रहा है। देखिए उधर से वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम आए सत्ता में तो निकाल देंगे। तो ये जो है प्रतिस्पर्धी जो सांप्रदायिकता है। सर आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस तरीके की राजनीति से फायदा किसको मिलता? देखिए फायदा तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम आम लोगों का तो नहीं होता। हाँ। और जिसका भी होता हो किसी राजनीतिक दलों राजनीतिक दलों की तरफ से इस्तेमाल हो रही है। राजनीतिक दलों में फायदा उसका होता है, लोग सुनना चाहते हैं। अगर हम आप सुनना चाहते हैं कोई एक तरह की भाषा और वो बोल रहा है तब तो फायदा होता है। लेकिन सबको पता है, देखिए वोटर को नासमझ मत समझिए, वो समझता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका मकसद क्या है, आपका निशाना कहाँ है, आपके पास मुद्दे कम हैं, आप इसलिए इस तरह की भावनात्मक बातें कर रहे हैं। सही, तो इसका नतीजा ये देखिए दोनों, ये तो आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र का देखिए। इम्तियाज जलील के पास चलूंगी मैं, इम्तियाज जलील साहब मुद्दे जब कम पड़ जाते हैं प्रदीप जी कह रहे हैं तब नेता इस तरीके की भाषा पर आते हैं। मैं आ रही हूँ रागनी, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं सवाल एक रख दूं इम्तियाज जलील जी के सामने कि यहाँ तो आप कह रहे हैं ठीक है जिस भाषा में आपको ललकारा गया उसी भाषा में आप जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कैसे ललकारा था आपको? राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी को कहा था आकर तुम टोपी पहनते हो, तुम्हारी दाढ़ी है, फिर क्यों जनेऊधारी हिंदू कहकर राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं आपके नेता? जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ऐसे पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ शख्स जो इस देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है वो यहां पर आते हैं और शुरुआत अगर वो ये इससे करते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम अवैसी को यहां से भगाएंगे, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि योगी साहब को ये किसने उनके कान में भरा है कि यहां से निजाम को भगाया गया था। हमें पता नहीं है उनका इतिहास, उनको कितनी हिस्ट्री उन्होंने पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है, लेकिन आप बोलने से पहले स्टेज के ऊपर क्या उनको यह अधिकार दिया जा सकता है? क्या किसी भी मुख्यमंत्री को यह अधिकार दिया जा सकता है कि जिस शहर के अंदर, जिस राज्य के अंदर हम पिछले 50 सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ओवैसी को हम यहाँ से भगाएंगे, यह अधिकार किसने दिया है? ऐसे कितने योगी आएंगे और जाएंगे, 5-5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी साहब 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, उनको तो यह अधिकार नहीं है कि ओवैसी राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू क्यों कह रहे हैं? गरीब मुसलमान को भिजाने की ताकत नहीं है आपके पास? जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी को क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी ने कब कह दिया तुम्हारी धारी है, तुम्हारी टोपी है, तुम शेरवानी पहनते हो? खुद से जब ये कहते हैं तो हम क्या उनके बारे में नहीं कहेंगे? वो खुद उनकी पार्टी ने खुद ने कहा है कि ये जनेऊधारी हिंदू है। अब अगर हम अपने मुंह से कह रहे हैं तो बोले नहीं, आप बार बार क्यों कह रहे हैं? जवाब नरेंद्र मोदी साहब खुद जवाब देते हैं, जवाब देते हैं। राजीव नाइक जवाब दीजिए, राजीव नाइक जवाब दीजिए। राहुल गांधी खुद कहते हैं अपने आप को जनेऊधारी हिंदू, अगर AIMIM ने कह दिया तो इसमें क्या हर्ज है? अरे भाई जवाब तो सुनिए, तो बड़ी तकलीफ के जलील साहब आप नेता है हम सब जानते हैं सर, जवाब सुन लीजिए, आराम से बोलिए, सांस भी लीजिए बीच में। रागनी आइए। रुमाना दो बातें, देखिए दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जननी है उसके सारे बड़े से बड़े आइडियोलॉग्स ये कहते हैं और उनका जो मूल मंत्र है आरएसएस का वो ये है कि पुण्य भूमि और पितृ भूमि जिन लोगों की भारत नहीं है उनको हम भारत से खदेड़ देंगे। तो वो चाहते हैं कि मुसलमान भारत से बाहर चले जाएं, खदेड़ दिए जाएं। इसमें कोई नई बात नहीं है, नया ये है कि चुनाव जैसे ही आते हैं जिस तरीके की भाषा का, जिस तरीके की शैली का, जिस तरीके के भड़काऊ अंदाज का इस्तेमाल किया जाता है उसका लक्ष्य केवल एक ही है कि विकास और मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी
जो कि हर चुनाव से पहले ये कहती है, मतलब आप देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हम हार जाएंगे तो वहां दिवाली मनेगी, पटाखे फूटेंगे, रमजान और कब्रिस्तान और शमशान को बीच में लेकर आते हैं, फिर गुजरात में अमित शाह और मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं राहुल गांधी बताएं हिंदू हैं कौन से बताएं। अरे भाई हम हिंदू हैं, हम चुनाव से पहले भी मंदिर जाएंगे, चुनाव के बीच में भी जाएंगे, बाद में भी जाएंगे, हम जनेऊ भी पहनेंगे, हम गोत भी बताएंगे, हम सब कुछ करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। ठीक है राघव, मेरे साथ बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन साहब भी देखिए इस चर्चा में शामिल हो गए। एक टिप्पणी जरा सर शाहनवाज हुसैन जी की ले लेते हैं। ठीक है राघवी, आपके पास आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी राघवी, आपके पास आ जाऊंगी। शाहनवाज हुसैन साहब, निजाम तो भागे नहीं थे, सरदार पटेल ने फौज भेजी थी, उसके बाद 5 दिन तक संघर्ष चला, फिर निजाम ने सरेंडर किया और निजाम को तो राज प्रमुख बनाया गया था आजाद हिंदुस्तान में। ये गलत हिस्ट्री कोट करके चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए कोई हिस्ट्री गलत नहीं बता रहे हैं, रेफरेंस के तौर पे बताया कि उस वक्त निजाम को भारत में शामिल करने में क्या दुश्वारी हुई। निजाम भागे, उन्होंने कहा सर निजाम भागे थे क्या? वहां पर तो आज के निजाम, आज के वहां के जो निजाम बने हुए हैं ओवैसी साहब, वो इस तरह की तकरीर करते हैं। उनका कुछ बातों पर जवाब दिया है, कल मैंने भी देखा, मैं भी कल हैदराबाद में था, अकबरुद्दीन ओवैसी के क्षेत्र में जाकर सभा करके आया हूँ। हम तो उनको यही कहते हैं कि बांटने की राजनीति उन लोगों को बंद करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी AIIM ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं। हम तो कभी भी बांटने की, मेरा सवाल बड़ा सीधा है सर, मरोड़ करके पेश करने की राजनीति को गलत तरीके से कोट क्यों कर रहे हैं चुनाव प्रचार में? निजाम तो भागे नहीं, मैं तो सवाल आपसे कह रही हूँ, आप बताइए मुझे, अगर निजाम भागे तो? योगी आदित्यनाथ कहते हैं जैसे निजाम भागा, क्या निजाम भागा? अरे भाई उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये जो उस वक्त दिक्कत हुई थी उनको भारत में शामिल होने में दुश्वारी थी सरदार पटेल की कोशिशों के बावजूद, बाद वो स्टेट इसमें जुड़ा, इसलिए दुश्वारियों का तो जिक्र ही नहीं हुआ। जहां तक योगी आदित्यनाथ तो भागने की बात कर रहे हैं, निजाम तो आजाद हिंदुस्तान में राज प्रमुख बना, भागने का वो अपने मुद्दों से, वो निजाम अपने मुद्दे से अलग हुए थे ना, मुद्दे से भागे थे। अच्छा, उन्होंने अच्छा। भारत के अंदर विलय करने से पहले मना किया था, बाद में सरदार पटेल की कोशिशों के बाद वो राजी हुए और वो भारत में शामिल हुए। कैसी हास्यास्पद तर्क और दलील, ये हमने कहा बचाव करना पड़ रहा है योगी जी का। सर आप जो तर्क दे रहे हैं वो किसी के गले उतर नहीं रहा है, क्योंकि वो भाषण योगी आदित्यनाथ का वो हम सब ने सुना है, और कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में हिस्ट्री को मिसकोट किया है, तोड़ मरोड़ के वो कह रहे हैं जैसे निजाम भागा था, जबकि हकीकत कुछ और है, इतिहास कुछ और है। हमारा सवाल बड़ा सीधा था कि पहले जाति गोत्र और अब चुनाव में सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान, मतलब नेता जो है वो वोट पाने के लिए, जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो हो सके वो पैतरा आजमाने के लिए आतुर नजर आते हैं। इसी वजह से ऐसे नेताओं के बोल जो बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, चाहे राजस्थान हो चाहे तेलंगाना हो। आज की चर्चा हम यही खत्म कर रहे हैं, और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, वोट के लालच में माहौल खराब करना गलत बात, समाज को बांटकर किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। ये नेता जो समाज में अपने बयानों के जरिए खाई पैदा कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।